खबर के साथ में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्तार की मौत से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। मुख्तार के शव का पोस्टमार्टम जारी है। तकरीबन आधे घंटे पहले मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम शुरू हुआ और अब भी पोस्टमार्टम जारी है। डेढ़ घंटे का समय डॉक्टर्स की तरफ से बताया गया और साथ ही 5 डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम कर रही है, साथ ही वीडियोग्राफी भी हो रही है और साथ ही कुछ अधिकारी भी पोस्टमार्टम के दौरान में मौजूद रहेंगे। डेढ़ घंटा लगेगा पोस्टमार्टम होने में, उसके बाद में इंतजार किया जाएगा। डेढ़ बजे के बाद में शव यहां से रवाना होगा और उसके बाद में तकरीबन शाम तक ये जानकारी मिल रही है कि शव गाजीपुर पहुंचेगा और यहां पर सुपुत्रे खाक किया जाएगा, उसको लेकर भी तैयारियां काफी जोरों पर है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अस्पताल के बाहर की तस्वीरें। साथ ही उमर अंसारी को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जो कि मुख्तार अंसारी का बेटा है, और परिवार वाले भी हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश भी दिए हैं, कई जगह पर फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए और जैसे ही मुख्तार अंसारी की बॉडी को लेकर पुलिस यहां से रवाना होगी, 26 गाड़ियों का आसपास घेरा होगा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे और फिर शाम तक मुख्तार अंसारी को सुपुत्र खाक किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से कल मौत हो गई थी और उसके बाद में अब पोस्टमार्टम जारी है। तकरीबन 1 घंटा और लगेगा पोस्टमार्टम होने में। कासगंज जिला कारागार में तैनात हुए पुलिस फोर्स अब्बास को ले जाने के लिए पुलिस की वैन पहुंची है। जेल के अंदर और बाहर पुलिस की हलचल तेज हो गई है। सीओ के नेतृत्व में पुलिस की स्पेशल टीम जाएगी। जेल में बंद है मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी, तो कोर्ट की तरफ से परमिशन लेने की जानकारी हम पहले ही आपको दे रहे थे और अब जेल के बाहर हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो कासगंज जिला कारागार में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। अब्बास को ले जाने के लिए पुलिस की टीम पहुंची है। उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कासगंज जिले में भी अलर्ट हो गया है, क्योंकि उनका बेटा अब्बास अंसारी कासगंज जेल में यहां बंद है। बताया जा रहा है कि पिछले 1 साल से लगातार यहां बंद है। मैं कासगंज जिला कारागार में मौजूद हूं। अब मूवमेंट देखने को मिल रही है, क्योंकि अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वहां उसको जो जाने की जो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। मैं पीछे आप देखेंगे तमाम पुलिसकर्मी जो है अभी तुरंत आए हैं, तो मूवमेंट देखने को मिल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कुछ ही घंटों में यहाँ से अब्बास अंसारी को गाजीपुर ले जाया जाएगा, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि 10 बजे हाई कोर्ट में मेंशन किया जाएगा, उसके बाद वहां से उसे परमिशन मिलेगी और परमिशन मिलने के बाद उम्मीद ये पक्की अब हो गई है, क्योंकि पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया था। अब तक या कोई पुलिस फोर्स तैनात नहीं था। अब हम अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2 से 3 गाड़ियाँ जो प्रजनन बहन है उसमें जो जाने की व्यवस्था की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ में अमित गंजू जुड़ गए हैं। अमित, आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है तकरीबन, और कितना वक्त लगेगा पोस्टमार्टम में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक पेपर वर्क चल रहा था और अब से कुछ देर पहले ही इसके प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है, क्योंकि डॉक्टर्स के जिन पैनल का इंतजार हो उनमें से डॉक्टर एसजीपीजीआई लखनऊ के भी आ चुके हैं और उसके अलावा एक सर्जन डॉक्टर है और 2 MD फिजिशियन है, यानी टोटल 5 डॉक्टर्स का पूरा पैनल यहां इस वक्त मौजूद है और प्रोसीजिंग स्टार्ट हो चुकी है। कैमरे की फोटोग्राफी भी कराई जा रही है। लगभग 50 मिनट्स की बात कही जा रही थी, मगर इसमें एडिशनल टाइम लग सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से ये पूरा मामला इसको सेंसिटिव करने का प्रयास किया गया था कल देर रात उसके फैमिली मेंबर्स उनके बेटे उमर द्वारा, लेकिन किसी प्रकार का कोई संशय न रहे इसको विशेष ध्यान रखा गया। यही वजह है कि अब पूरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी है और जो टाइम पीरियड लग रहा है इसी में, क्योंकि एक तो जुमे की नमाज है, ऐसा माना जा रहा है कि 1 बजे के आसपास यहां से ये इनके शव को लेकर सीधे इनके पैतृक गांव जाएगा, जहां से इनको सुपुर्द के खाक किया जाएगा। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए, पीएसी पुलिस कई थाने का फोर्स डिप्लॉय किया गया, यहां तक कि 5 डिप्टी एसपी लगाए, एक एडिशनल एसपी, मतलब फोर्स कहीं से कोई कम नहीं है। और इन सब के अलावा जो पुलिस के अधिकारी हैं, LIU के ऑफिसर्स भी यहां मौजूद हैं। जी अमित, कई जगह पर हम देख रहे हैं कि धारा 144 भी लागू की गई है, पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है, सुरक्षा के इंतजाम काफी ज्यादा चाक चौबंद है। इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं, आसपास भी कुछ मस्जिदें होंगी,
तो ऐसे में वहां पर क्या कोई विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? डिस्कनेक्ट हो गया फोन। अमित, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो आपको बता दें कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम अस्पताल के बाहर भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही जो पेपर वर्क है वो पूरा हो चुका है, हमें जानकारी दे रहे थे, और साथ ही कुछ और वक्त लगेगा पोस्टमार्टम होने में और वीडियोग्राफी भी की जा रही है। और इसके अलावा 5 पैनल का जो टीम है पूरा वो यहाँ पर पोस्टमार्टम कर रहा है। ये तस्वीरें हम आपको कल की दिखा रहे हैं जब ये डिक्लेयर हुआ था कि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। अब ये दो तस्वीरें आप देखिए, पहली तस्वीर जहां पर मुख्तार अंसारी जब उसे लाया गया तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ी और डॉक्टर्स की तरफ से मृत घोषित कर दिया गया, उसके बाद में जानकारी आई कि कार्डियक अरेस्ट के चलते मौत हुई है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब अस्पताल ले जाया जा रहा था। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ में अमित गंजू हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमित, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, कई जगह पर धारा 144 भी लगा दी गई है। आप इस वक्त जहां पर मौजूद है, आसपास कुछ मुस्लिम इलाके भी होंगे, मस्जिद भी होगी, क्या वहां पर कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तो चुनाव की जब से घोषणा हो चुकी है उसके वैसे भी यहाँ फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, एसएसबी के जवान पहले से ही यहाँ मुस्तैद हैं और इनकी फुट पेट्रोलिंग भी कराई गई थी, मगर कल इस हार्ट अटैक के बाद से किसी प्रकार का कोई न्यूसेंस ना हो, कोई अंडियो इसका एडवांटेज ना ले, कोई हॉक्स ना क्रिएट करे, इसके लिए पुलिस के कल एडीजी भानुभास्कर ने यहाँ मीटिंग रखवाई थी, एसपी इसमें मौजूद थे, आसपास के कई जनपदों की फोर्स यहाँ बुलाई गई, इसमें हमीरपुर की एक जनपद महोबा की फोर्स भी है और एक जो रिजर्व फोर्स है प्रयागराज का भी आज की डेट में मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पीछे दिखाने की कोशिश करें कि ये 3-लेयर सिक्योरिटी में फर्स्ट फेज पे जो लगाए गए एसएसबी के जवान इतनी तपती धूप में सब खड़े हैं, इसके ठीक पीछे एक लेयर बना है जिसमें पीएसी के जवान है, उसके ठीक पीछे पुलिस के। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये बताना चाहूंगा कि जो ये प्रोसीडिंग्स थी 10 o'clock तक वाइंड हो जानी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप कर रहा है। इस पूरी जब से कल से हुआ है, हमारे एक सहयोगी अखिलेश लगातार इसमें बने हुए हैं। अखिलेश, आप इधर आए, कल से आप लगातार डटे हुए हैं, बिना खाना खाए, बिना पानी पिए, एक साथ हॉस्पिटल से लेके यहां तक हैं। क्या आपको लग रहा है, क्या चेंजेस अभी समझ रहा है, क्योंकि आप अभी पीछे भी गए थे, क्या देख के आए, क्या चीजें आपको समझ आई, क्योंकि आप विदाउट कैमरा गए थे, मैंने खुद देखा, क्या चीजें देख के आए? जी देखिए, कि जब पता चला कि भाई 9 बजे से शुरू होना था इसको, तो डॉक्टरों के पैनल की टीम आ गई थी, पहले डॉक्टर के पैनल की टीम आ गई थी, इसके बाद जो अधिकारी थे वो भी पहुंचे थे वहां पर, इसके बाद जो मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी थे तो वो भी मौके पर पहुंचे थे, जिसके बाद पंचनामे की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, और जैसे पंचनामे की प्रक्रिया पूरी हो गई उसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू हो गई थी। तो पोस्टमार्टम में लगभग आधे से घंटे लगता है, इसके बाद फिर जो सुपुर्द करने की कार्रवाई होती है कि मुख्तार अंसारी के बेटे जो उमर अंसारी है तो उनको शव सुपुर्द किया जाएगा, और इसके बाद फिर पूरी तैयारी के साथ सुरक्षा के साथ यहां से उस शव